नमस्कार, कश्यप न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा चल रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। आप सोच लीजिए कि क्या बुरा हाल था। पांचवी कक्षा के बाद गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती, हम लोगों ने सब तरह का इंतजाम कराया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और क्या सब कुछ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सब तरह से दिक्कत हुई थी। हर तरह से हम लोगों ने एक एक काम करवाया और उसके चलते लोगों को सुविधाएं शुरू हो गई। और आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुश्किल से एक साल में 29 मरीज आते थे, एक दिन में एक या दो, और हम लोगों ने इतना ज्यादा काम किया। आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति कराई, वहां मुफ्त दवा देना शुरू किया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी। अब उसके चलते बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 लोग अपना मरीज के लिए आते रहे। और उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ, पहले कोई पढ़ता था कितना कम पढ़ता था, सबके पढ़ने के लिए, लड़का लड़की के पढ़ने के लिए सब काम किया, और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू कराया, लड़के के लिए हमने साइकिल योजना, फिर लड़का भी मान किया तो लड़के के लिए साइकिल योजना, कोई साइकिल चलाता था जी तो हमने साइकिल योजना चलाया है, तो लड़की साइकिल चला के चलती थी, हम माता पिता को लेकर सामने में कहां ले जाती थी, तो सब भूलिएगा मत, सब काम हम लोग जो किए हैं। लेकिन जिसको भी मौका मिलता है उसको कोई काम किया है, कोई काम नहीं किया, तो खाली याद रखिए एक चीज को, हम हर तरह से सब काम करवाए हैं और पूरे तौर पर सब कुछ किया। अब आप जानते ही हैं, अब एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर जितना भी काम संभव है सब कुछ करवाया है। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा करता था पहले, हम लोगों ने झगड़े को दूर कर दिया। आई लोग तो वोट मांगते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम उसके साथ है, आई वो हम लोगों के साथ, भाजपा है तो उसी के चक्कर में बोलते रहता है, फालतू बात है, हम लोग साथ थे तभी करवाए थे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था तो झगड़ा को हम लोग खत्म न कराए। हम मदरसों को आप बताइए कि कोई सरकारी मान्यता दिया था, वोट मांगते रहता है, वोट लेता है, तो हम तो मुस्लिम समाज के लोगों को कहेंगे कि पहले कुछ नहीं करता था, झगड़ा भी होता था, आप लोगों को मदरसों के लिए भी कोई सरकारी मान्यता नहीं दिया, सब काम हम लोग किए, हमारे साथ घेराबंदी कराए, से पूछ करके 8,000 से ज्यादा जो पता चला वो करा दिए, अब बाद में 1,000 और पता चला वो भी काम करवा रहे हैं, तो कितना बड़ा काम कर दिया। अब आपका कहीं झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम का बोलिए, उन लोगों को दिक्कत था, कब्रिस्तान भी करा दिया। ये काम तो हम और कहेंगे कि 60 वर्ष से पुराने इतने मंदिर उसमें भी कुछ कुछ जा करके चोरी कर रहा था, तो हम लोगों ने उसका भी कर दिया है। और आप जानते हैं 16 से ही हमने शुरू किया पुराने मंदिरों का चार दीवारी, तो एक एक काम हम लोग करते हैं सबके हित में, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, कहीं को हो, सबके लिए हम लोग काम किए हैं और एक एक तरह से सब तरह से काम किए हैं। और कितना हुआ जी, कोई बिजली था जी, हर घर बिजली पहुंचा दी है, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर में शौचालय पहुंचा दिया, नहीं है कहां नहीं है, कहां नहीं होगा, तुरंत आएगा। अगर जहां कहीं भी दिक्कत है कोई पूछ लो कहां पर कोई दिक्कत है उसको तुरंत ठीक किया जाएगा, उस सब में कोई बात नहीं, उस सब की चिंता आप मत करिए। तो हम लोगों ने तो कर दिया, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये मैक्सिमम जो कुछ भी है उसका भी काम करवा रहे हैं। और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, सरकारी नौकरी में कितना दिया, उन लोगों को नौकरी देता था जी, 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8,00,000 लोगों को नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।